हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फैक्टोरियल नंबर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज फैक्टोरियल नंबर। तो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो वो होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, या फिर इसे उल्टा भी कर सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ओके, तो हमें 1 से और जो भी हम नंबर लेते हैं उस तक का हमें इंटू करते हुए चलना है। ओके, तो तब यदि ये करते हैं तो हम यहाँ पर लूप का यूज़ करेंगे इसके लिए। तो चलिए मैं अपना प्रोग्राम लिखता हूँ और प्रोग्राम से समझने की ऐसे कोशिश करते हैं। ओके, अभी के लिए मैं एक्स के अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ 5। ये आप यूज़र से भी ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। और मैं यहाँ पर रिजल्ट के अंदर जो फैक्ट है, जो कि हमारा फंक्शन होने वाला है, सी फंक्शन से इसलिए कर रहे हैं हम इसे कि फंक्शन तब हम पढ़ रहे हैं तो फंक्शन को जितना हम यूज़ में लेंगे उसका लिए हम उतना ही यूज्ड होंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी जितने भी आप प्रोग्राम बनाते हैं वो सब फंक्शन के थ्रू बनाइए, ताकि आपकी फंक्शन में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक्स ले लिया है। ओके, तो अभी यहाँ पर फैक्ट के ऊपर रेड साइन आ रहा है, तो हम एक फंक्शन बना देते हैं फैक्ट और वैल्यू को पास कर देते हैं हम एक्स। सी एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो ये एक्स है, ये जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही लें, यहाँ पर एन भी लेंगे तो भी चले, कुछ भी आप जो भी मन करे आपका वो ले सकते हैं और ये प्रोग्राम वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी हमें चलाना है जो 1 से n या फिर जो भी नंबर से चलाना है। तो पहले हम एक फोर लूप बना लेते हैं, फोर आई इन रेंज। सी मेरे पास 5 है तो मुझे चलाना पड़ेगा 1 से 5 तक, तो 1। ओके, यदि मैं वैल्यू नहीं दूंगा 1 तो फिर वो 0 से चलेगा, एंड 5 तो 5 को ये एक्सक्लूड करेगा, तब हमें एक्स तक चलाना है, तो हमें एक्स प्लस 1 तक चलाना होगा। ओके, इसके बाद हमें एक काउंटर वेरिएबल चाहिएगा कि जो भी आई आए और वो उसके साथ हो जाए स्टोर। तो यहाँ पर मैं एक काउंटर वेरिएबल बना लेता हूँ, एफ इक्वल टू 1। ओके, अब हमारे पास एफ में 1 है और आई होगा जो फर्स्ट होगा वो हमारा 1 होगा, तो f इक्वल टू f इंटू आई। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहां से i जो 1 सबसे पहले 1 आएगा तो वो 1 के साथ 1 करेगा तो 1 हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम तो यहां पर 1 स्टोर है तो सेकंड टाइम के लिए फिर 2 होगा तो i 2 2 हो जाएगा, फिर 3 आएगा और यहाँ पर 2 है तो 6 हो जाएगा। ऐसे आप इसे डीबग के थ्रू भी कर सकते हैं, हमने पहले डीबग करके दिखाया हुआ है। तो यदि आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डीबग के थ्रू भी इसे देख सकते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया एफ को और अभी बस हमारा प्रोग्राम बन गया है, बस मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट, और प्रिंट के अंदर कर दिया हमने रिजल्ट को प्रिंट। ओके, अब हम इसे रन करते हैं, तो एज यू कैन सी 120 आ रहा है मेरे पास। या फिर आप ऐसा करिए, यहाँ पर इंट इनपुट और इनपुट के अंदर मैसेज दे दीजिए एंटर द नंबर। अब हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं इसके लिए, तो जैसे मैंने रन किया 4 डाला, 24 आ गया मेरे पास, अगेन रन किया 8 डाला, एंटर किया, हमारे पास वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है। ओके, तो आप ऐसे कुछ फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल निकालने का एक और तरीका होता है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, रिकर्शन। ओके, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।